अपने मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि आप ज्यादातर वीडियो अपने अपलोड करते हैं यूट्यूब से, है ना। और दूसरा तरीका होता है हमारा गूगल क्रोम से करते हैं। हमने पहले तो वीडियो उसमें अपलोड होती है, फिर प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फिर आपकी वीडियो HD क्वालिटी में होती है ना, कॉपीराइट चेक किया जाता है, फिर आप अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं बाद में। और आपको एक नया फीचर मिला था, आप अपने YT स्टूडियो से अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। एक नया फीचर और आया है, मैं आपको जरा डिटेल में आपको समझाता हूँ, मैं अपनी मॉल की स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं आगे अपनी मॉल की स्क्रीन पे, मॉल की स्क्रीन पे आने वाले मैं अपने YT स्टूडियो कर लूंगा ओपन। तो यहाँ मैं अपने लोगो पे करता हूँ क्लिक। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पुश नोटिफिकेशन पे करना है क्लिक। पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके ये पॉलिसी वाला ऑप्शन यहाँ आपका बंद है, तो आपको इसको ऑन यहाँ पे कर लेना है ना, सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आप कॉपीराइट इशू, स्ट्राइक और चेकिंग एंड मोर ऑप्शन, अगर आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट होगा, कोई स्ट्राइक वगैरह, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया होगा या कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई उल्लंघन वगैरह किया गया होगा, तो सबसे पहले आपकी वीडियो अपलोड होगी, फिर HD क्वालिटी में होगी यहाँ पर ही इसी YT स्टूडियो में, फिर आपकी वीडियो धीरे धीरे चेक होगी। उसके बाद आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी वीडियो चेक हो चुकी है, आप अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसा आप यूज इसको कर सकते हैं। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो करते लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस। 5 अमेजिंग अपडेट वगैरह आए यूट्यूब पर, वो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके इसको दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।